पास्कल्स लॉ आ जाता है ये स्कूल में, एनसीईआरटी में पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये स्टेट करता है दैट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो एनक्लोज्ड फ्लूइड को। एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब कि एक लिक्विड पूरा कंटेनर में भरा हुआ है और बंद है, हवा नहीं है बीच में, पूरा टाइट पैक्ड है लिक्विड के साथ, ठीक। तो इंक्रीज इन प्रेशर प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, देन इट चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। वो गुब्बारे वाला एग्जांपल, आप गुब्बारा भर लो पानी से, उसमें होल्स कर लो, हल्का सा गुब्बारे को कहीं से भी प्रेस करो, सभी होल में से पूरा प्रेशर फील होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक होल में ज्यादा एक होल में कम, तो प्रेशर यानी कि वॉल के ऊपर बराबर ही लगेगा, ठीक। अनडिमिनिश का मतलब बिना कम हुए। तो इसका एग्जाम्पल है, एक एनक्लोज फ्लूड ले लिया हमने यहाँ पे, या पिस्टन लगा दिए, ये छोटा पिस्टन, ये बड़ा और ये छोटा। तो हमने क्या किया, इस पिस्टन को अंदर दबा दिया ताकि प्रेशर डेवलप हो, और मैं ये चाहता हूँ ऑब्वियसली दबाऊंगा तो पिस्टन ऊपर उठेंगे ये वाले, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी फोर्स यहाँ लगा के रखूँ ताकि ये पिस्टन ऊपर ना जाए, पकड़ के रखना चाहता हूँ। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे दबाए और मैं इसको पकड़ के रखना चाहता हूँ, तो पास्कल लॉ कहता है कि अगर आप यहाँ प्रेशर लगाओगे, कितना लगाओगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये प्रेशर आपने यहाँ लगाया तो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ का एरिया ट्वाइस है, टू ए, तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, टू एफ। और जहाँ एरिया हाफ है, ए बाय टू, वहाँ फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, एफ बाय टू, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स सेम। ये पास्कल लॉ है, अगर प्रैक्टिकल करोगे तो भी सेम फीलिंग आएगा आपको। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि एक जगह प्रेशर, हर जगह का प्रेशर सेम हो जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड एनक्लोज फ्लूड होना चाहिए, बंद होना चाहिए कंटेनर में, ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में अंडरलाइन कर लो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये पेपर में गिवन नहीं होगी, याद रखनी पड़ेगी, और सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट ये आ जाती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या एप्लीकेशन में, है क्या, मान लो आपको एक कार को उठाना है, गाड़ी को उठाना है, ऐसे तो गाड़ी उठेगी नहीं खास से आपसे, पर अगर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाओगे तो एक सेकंड में उठेगी। कैसे, आप ये पाइप पतली लो और ये मोटी ले लो, यहाँ पिस्टन का एरिया बड़ा है यहाँ छोटा है, यहाँ पे कार या कोई बड़ी बॉडी रख लो और यहाँ आप फोर्स लगाओ, तो क्योंकि एनक्लोज फ्लूइड है तो यहाँ पर आपने प्रेशर क्या लगाया, एफ बाय ए, और यहाँ प्रेशर कितना ट्रांसमिट हो जाएगा, कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए, पर प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ बाय स्मॉल एफ की ये वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब एग्जांपल है, सोचो अगर आपका ये छोटा वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और ये एरिया जितना मर्जी रखो आपकी मर्जी है, और ये एरिया आपने 1000 मीटर स्क्वायर रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 × स्मॉल एफ, एरिया चेंज करने से फोर्स 1000 टाइम हो गई। तो सोचो अगर आप यहां सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, वहां फोर्स कितनी लगती है, 1000 न्यूटन फोर्स। क्या जबरदस्त चीज है, एक हाथ ही तो लगाना है 1 न्यूटन और वहां 1000 न्यूटन लग जाएगी, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। वो देखिए ना, पंचर लगाते हैं, जैक लगाते हैं एक, तो वो नीचे प्रेस करते हैं पूरी कार उठ जाती है, कैसे, अंदर ऑयल है, ऑयल है तो अंदर क्या है, बेसिकली एक प्रेशर डेवलप कर रहे हो, तो यहां का प्रेशर डेवलप हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, नहीं करना।